हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि हमारे जो साथी जिनके लगातार हमें कमेंट आ रहे थे कि सर आप ऑनलाइन कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सनली व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी मिले हैं, तो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा 1 अप्रैल से हम लोग ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस कोर्स में क्या क्या मतलब हम लोग कवर करेंगे वो सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और इस कोर्स की जो फीस है उसके बारे में भी जानेंगे। इस कोर्स की जो फीस रखी है बहुत ही कम अमाउंट हम लोगों ने रखा है। इस वीडियो के लास्ट में सारी डिटेल आपको शेयर करेंगे। अभी हम जान लेते हैं इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सेम चीज जो ऑनलाइन कोर्स में है वो ही थोड़ा ऑफलाइन में होती है, लेकिन ऑफलाइन में प्रैक्टिकली चीजें कुछ ज्यादा सिखाई जाती हैं और उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। दोस्तों, ये जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है ये हमारा 1st बैच होगा, जो कि 1 अप्रैल से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं HT पैनल। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है HT पैनल में ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, क्या इसमें ट्रबल शूटिंग है, मतलब क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं। उसके बाद है हमारा LT पैनल, HT ब्रेकर। हमारे HT पैनल में कौन कौन से ब्रेकर्स का हम यूज करते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं SF6 हो गया, BCB हो गया, RMU हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ब्रेकर्स हैं उनकी सेफ्टी, उनके जो पार्ट्स हैं उन पार्टों के नाम्स, सर्विसिंग में हम क्या क्या करते हैं वो सारी डिटेल हम समझेंगे। नंबर 4 पे हमारा आता है LT पैनल। LT पैनल में हमारे कौन कौन से ब्रेकर्स आते हैं उन सभी के बारे में हम समझेंगे। डीपली नॉलेज यहाँ पे दोस्तों इस कोर्स के माध्यम से आपको दी जाएगी। नंबर 5 पे हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी क्या क्या सेफ्टियां हैं और पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं, वो सारी आपको डिटेल में चीजें बताई जाएंगी, जिससे आप इंटरव्यू आसानी से दोस्तों क्रॉस कर सकते हैं। नंबर 6, DG ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। DG के बारे में आपको डीपली प्रॉपर जो भी इसके नोट्स हैं वो प्रिपेयर करवाए जाएंगे, क्या क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या इसमें खराबियां आती हैं DG में जब हम यूज करते हैं, जैसे कि DG स्टार्ट नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब के बारे में हम डिटेल में दोस्तों सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे। नंबर 7 पे हमारा है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्म स्टार्टर। स्टार्टर कितने टाइप के हैं, जिसमें हमारा ड्यूअल स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसकी कंट्रोलिंग डायग्राम कैसे, एक एक इसके बारे में पूरा पढ़ाएंगे हम। और आप जब सेंटर पे भी इसके लिए 1 वीक के लिए आप आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए, तो उसमें आपको डीपली प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा कि इसके जो है कनेक्शन किस तरह से, DL के, स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर और VFD, इन सब के बारे में आपको डीपली नॉलेज दी जाएगी। नंबर 8 पे है हमारा टाइप्स ऑफ UPS। UPS हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे ऑफलाइन UPS है, ऑनलाइन UPS है, इन्वर्टर है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टोटल है, उन सब के बारे में क्या उनके डायग्राम्स है, क्या सेटिंग है, क्या लॉग बुक में हमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी होती है और किन चीजों का ध्यान रखना होता है, उन सब के बारे में हम समझाएंगे। एन पे हम बात करते हैं PPM, लोटो, EHS, PPE सेफ्टी किट, इन सब के बारे में भी बताएंगे। PPM शेड्यूल कब, किस इक्विपमेंट का कब होना चाहिए, जितने भी हमारे फिटेड एसेट होते हैं उसमें जो PPM होता है उसका एक शेड्यूल बनता है, PPM कैलेंडर बनाया जाता है, उस सब के बारे में आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। टाइप्स ऑफ मोटर्स, जो हमारी मोटर्स जो लगाई जाती है WTP में, ETP में, STP में, बूस्टर पंप के रूप में, लिफ्ट के अंदर, उन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नंबर 11, टाइप्स ऑफ अर्थिंग, सर्ज अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर, NGT और NGR, इनका क्या वर्क होता है और कितने टाइप की हमारी अर्थिंग होती है, उस सब के बारे में आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। हाउस वायरिंग, घरों में जो हमारी वायरिंग होती है उनके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। नंबर 13, WTP में जो फिटेड हमारी मोटर है उनका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बारे में, इनका जो सिंगल लाइन डायग्राम है वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। हमारे कौन कौन से फिल्टर इसमें लगे रहते हैं, जैसे MGF फिल्टर है, ACF फिल्टर है, साल्ट मिक्सचर है, उन सब का क्या यूज होता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 14 पे हमारा STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दोस्तों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, कैसे हम वाटर को ट्रीट करते हैं और इस वाटर का कहां पे यूज करते हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ाएंगे। नंबर 15 पे है हमारा ETP। ETP का
इसमें कौन सा हमारा जो वाटर है जिसको हम रिसाइकल मतलब उसको प्योरीफाई करते हैं और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है और ईटीपी कहाँ पर लगी होती है। दोस्तों एसटीपी और ईटीपी और डब्ल्यूटीपी इन तीनों में क्या डिफरेंट है, इनका क्या यूज है, उस सब के बारे में आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। नंबर 16 पे हमारा एचवीएसी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। एचवीएसी में कौन कौन से हमारे फिटेड इक्विपमेंट होते हैं, कौन कौन सी पंप होती हैं, चिलर के बारे में, एचयू के बारे में, एफसीयू, इन सभी के बारे में, इनका जो डायग्राम है उन सब के बारे में हम आपको जो है डीपली पढ़ाएंगे। दोस्तों नंबर 17 पे है हमारा फायर सिस्टम। फायर सिस्टम में हमारा जैसे कि फायर पंप रूम है उसके अंदर कौन कौन सी पंप लगी होती है, जैसे हाइड्रेंट पंप है, फायर इंजन है, जॉकी पंप है, उन सभी के बारे में, पीए सिस्टम क्या है, फायर स्प्रिंकलर कितने हैं, फायर एक्सक्यूजर कितने हैं, स्मोक डिटेक्टर के बारे में, इन सभी के बारे में आपको डीपली नॉलेज और नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। हमारा प्रेशर बिल्डिंग के हिसाब से कितना होना चाहिए, उन सब के बारे में, हमारी ऑटो में मोटर कैसे काम करती है, इन सभी के बारे में आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। बीएमएस सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर जो भी चीजें सीसीटीवी वगैरह है उस सब के बारे में आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। लिफ्ट रेस्क्यू, लिफ्ट सेफ्टी एंड रेस्क्यू। लिफ्ट सेफ्टी की बात करें तो हम इसमें कौन कौन सी सेफ्टी हमारी यूज होती है, रेस्क्यू लिफ्ट के अंदर कोई फंस जाए तो उसको कैसे निकाला जाता है, उस सब के बारे में आपको डीपली ट्रेनिंग हम देंगे। जैसे कि लिफ्ट सेफ्टी की बात करें, इसमें एआरडी हो गई, ओएसजी होगी, इस तरह की बहुत सारी सेफ्टी होती है, हमारे पिट बफर, बफर स्विच होते हैं, उन सभी के बारे में आपको पढ़ाया जाए। लॉग बुक नंबर 20 पे हमारी लॉग बुक एंड चेकलिस्ट एंड हिस्ट्री कार्ड। हमारी कितने टाइप की लॉग बुक होती है, एसटी की लॉग बुक अलग है, एलटी की अलग है, डीजी एचएक की लॉग बुक है, डीजी जिसमें कि हमारा डीजल का रिकॉर्ड होता है, डीजी जब हमारा स्टार्ट होता है वो सारा उसमें रिकॉर्ड मेंशन किया जाता है, एसटीपी लॉग बुक है, इस तरह की जो जितने भी लॉग बुक हैं उन सभी के क्या क्या पैराग्राफ होते हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री कार्ड क्या है, इसको कैसे भरा जाता है, उन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। टाइप्स ऑफ परमिट, हमारी बिल्डिंग में कुछ परमिट हमें लेने होते हैं, अगर कोई भी काम आपको करना है, कोई वेंडर आपकी बिल्डिंग में आके कोई काम करता है तो उसके लिए कितने टाइप्स के हमारे परमिट होते हैं, उन सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, बिल्डिंग में कितने टाइप्स के मेंटेनेंस होते हैं। नंबर 13 पे है हमारा 23 पे एसओपी एंड 5S। एसओपी हमारी हर किसी की एक अपनी एसओपी होती है, उन सब के बारे में और 5S के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इससे अलग भी जो लोग जैसे इंजीनियर के लिए या मैनेजर रैंक के लिए तैयारी करेंगे तो उनके लिए डीएमआर रिपोर्ट क्या होती है, एमएमआर रिपोर्ट क्या होती है, उन सब के बारे में भी बहुत सारी चीजें कोर्स में हैं जो आपको डीपली पढ़ाई जाएंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कि इस कोर्स की जो फीस है वो क्या रखी गई है और कौन कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस कोर्स को लेने के लिए आपके पास ITI डिप्लोमा या BTech ये होना अनिवार्य है। ITI आपकी इलेक्ट्रॉनिक से है, इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से है, फिटर से है या किसी भी ट्रेड से है, आप दिए गए नंबरों पे, ये हमारे नंबर्स हैं, ये दो नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो में दे देंगे, इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास ITI डिप्लोमा BTech है वो लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई फैसिलिटी या मेंटेनेंस लाइन में आना चाह रहा है, उसने ग्रेजुएशन की है या फिर वो पढ़ा हुआ भी नहीं है तो वो भी हमारे कोर्स को ले सकते हैं, उसको भी हम 100% जो यहाँ पे हमने जो वादा किया है दोस्तों आपके साथ कि 100% जॉब प्लेसमेंट की हमारी गारंटी है तो वो लोग भी हमारा कोर्स ले सकते हैं, उनको भी हम 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। दोस्तों अब टोटल जो कोर्स की फीस है वो 5,000 रुपये रखी गई है। 500 रुपये आप स्टार्टिंग में दे देंगे रजिस्ट्रेशन और बचे हुए 4,500 रुपये आपको 2 दिन के बाद आपको पे करने हैं जिन लोगों को कंटिन्यू कोर्स लेना है। टोटल इस कोर्स की जो फीस है वो मात्र 5,000 रुपये है। 5,000 ही हम ऑफलाइन कोर्स के लिए लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन कोर्स और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑफलाइन में हम 2,500 रुपये स्टार्टिंग में लेते हैं, 2,500 रुपये कोर्स कंप्लीट होने के बाद लेते हैं, लेकिन जैसा ही दोस्त ये क्या है ऑनलाइन कोर्स है तो इसमें 4,500 रुपये हम स्टार्टिंग में ही आपको डेमो क्लास देने के बाद ही ले लेंगे। तो दोस्तों
आप जल्दी से जल्दी जो लोग कोर्स लेना चाह रहे हो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप भी एक टेक्निकल फील्ड में एक अच्छी जॉब प्राप्त करें।